बच्चों एक मुहावरा है मुंह मीठा करना, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सर मैं बताऊं? तुम रुको शीला बेटी, इस मुहावरे का अर्थ रजवा बताएगा। अरे रजवा बता तो रे कि मुंह मीठा करने का मतलब क्या होता है। सर मान लीजिए कि आप मर गए। क्या? अरे सर खाली मान लीजिए कि आप मर गए। मान लीजिए कि आप संडास में बैठे बैठे हग रहे थे और अचानक आपको हार्ट अटैक आया और आप बिना पिछवाड़ा धोए ही स्वर्ग सिधार गए। तो आपके मरने के बाद जब आपकी तेहरावी होगी और जब आपके सम्मान में आस पड़ोस के लोगों को भोज में बुलाया जाएगा, तो हम आपके पुराने स्टूडेंट्स होने के नाते तो पहुंचेंगे ही ना। तो हम लोग लोगों को खिलाने पिलाने में भी हाथ बटाएंगे, उन्हें पूरी सब्जी और रायता भी परोसेंगे। और फिर जब अंत में रसगुल्ले बांटने की बारी आएगी तो पता है हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे लादू? हम कहेंगे लीजिए थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए क्योंकि हमारे सर मर गए। क्या? अरे सर इतना बढ़िया एग्जांपल देकर आपको समझाया फिर भी आप क्या क्या कर रहे हैं? अबे तू रहने दे, तेरा एग्जांपल इतना खतरनाक होता है कि मरने से पहले ही मौत आ जाए सामने वाले को। तेरा एग्जांपल सुनकर तो मेरी आंखों के सामने मेरी मृत्यु भोज का सीन चलने लगा बे। वैसे सर जब आप मर जाएंगे तो अपने भोज में गुलाब जामुन जरूर बनवाना, मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। अबे तोतले जब सर मर ही जाएंगे तो गुलाब जामुन बनवाने के लिए क्या स्वर्ग से नीचे आकर बोलेंगे? सर आप ऐसा करना, आप मरने से पहले ही हलवाई को ऑर्डर देके जाना। और हाँ गुलाब जामुन शुद्ध घी के बनवाना, डालने का मुझे पस्ता नहीं है।